गौरव कुमार और आप देख रहे हैं रियल न्यूज ऑफ इंडिया। आज हम एक ऐसे सैनिक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने देश का सेवा बॉर्डर पे तो किया ही, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनको जितना भी पैसा मिला है वो ग्रामीणों में खर्च कर दिए हैं। वो जहाँ के निवासी हैं वहाँ पे तो खर्च किए ही किए हैं, अपने पंचायत के हर एक गाँव में खर्च किए हैं। लमसम रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि लमसम 1 करोड़ रुपया वो खर्च कर चुके हैं। जैसे में उनके पंचायत में जहाँ पे गांव नली नहीं था वहाँ पे नली का निर्माण किया गया, जहाँ पे सड़क नहीं था वहाँ पे सड़क बनवाया गया, इत्यादि उन्होंने बहुत सारा काम किया है। पहले आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं चंदन कुमार सिंह, ग्राम गोपालपुर कंडाप तारनपुर पंचायत का निवासी हूं। और कंडाप तारनपुर हम इस समय कौन सा पंचायत में और कौन सा गांव में खड़े हैं? आप इस समय कंडाप तारनपुर पंचायत के तारनपुर गांव में खड़े हैं। अच्छा, सुनने में आया है कि कोई फौज से रिटायर होके आए हैं जो समाज कल्याण के लिए और ये कंडाप तारनपुर पंचायत में करोड़ रुपया खर्च किए हैं, ये क्या बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, ये संजीव कुमार आर्मी से रिटायर होकर आए हैं। जी जी। और जब से रिटायर होकर आए हैं तब से लगातार समाज के पीछे मतलब कि हर मुसीबत के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, जैसे मान लिया किसी के यहाँ दुर्घटना घट गई। अच्छा। तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, या फिर खास करके कोरोना काल में राशन वितरण के लिए। जी जी। और लगातार मतलब कि किसी के घर में अगर श्राद्ध है उसमें मदद करते हैं, शादी विवाह है उसमें मदद करते हैं। करेंट में इनका काम क्या है? करेंट में तो अभी खास करके कोरोना काल चल रहा है। अच्छा। तो इसमें ये मतलब बहुत जगह राशन वितरण किए हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोग सुनने में आया है कि ये मंदिर का निर्माण आप अपने बजट से करवाए हैं। हाँ, ये सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सरजुग दास। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? सत्यानंद दास। अच्छा बताइए, ये फौज से जो रिटायर किए हैं इनका नाम क्या है? संजीव कुमार। अच्छा, इनके बारे में सुनने में आया है कि पंचायत में ये बहुत सारे काम किए हैं। जी हाँ, काम किए हैं। अच्छा, क्या क्या काम किए हैं? देवी स्थान के निर्माण किए। अच्छा। और उनको कोरोना वायरस में राशन वितरण किए। सुनने में आ रहा है कि मुखिया के कैंडिडेट भी हैं। जी। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार है इनका चांस? चांस है सर। सब जनता खुश है इनसे? बिल्कुल खुश है, निकलेंगे। क्या खुश हैं? जी हाँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इनका व्यवहार कैसा रहता है? अच्छा। मलेट्री साहब का व्यवहार कैसा रहता है? बहुत अच्छा। मंदिर बनी था इतना साल से। अच्छा। इतना साल से मंदिर न बैठा, हमारे देवी में बिगाड़ हो चले तने। अच्छा। इनके भाग से बन गया, आओ का चाहिए। व्यवहार तो ठीक है, इनका खराब व्यवहार थोड़ी है, हम सब तैयारी है, ऐसा बात न है। सब खुश है जनता? ऐसा ना कि आज इनका कह दे तो वो फिर उन्होंने हो गई तो उन वाला बात ना हम निकले, अब कभी इनका भाग जाने, बाकी हम सब तो तैयारी है यही ला इनका पार्टी से। हाँ, मुखिया जी के कैंडिडेट हैं फौजी जी, फौजी साहब जो रिटायर होके आए हैं, उनके बारे में क्या कहना है? ये मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? अच्छा, अपने पैसा से। सब जनता खुश है इनसे? खुश हैं सब? हाँ। तो क्या लगता है इस बार मुखिया चुनाव में इनको वोट दीजिएगा? हम तो कहते कि हे माता जल्दी से उनका जीता ही है, उनका दम जितावा कि पूजा उनका सबसे हम करवाऊँ कि हमें पूजा करना मंदिर पर, ये हम कहते हैं कि दम मुखिया जी जीत जा माता। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि ये मंदिर मतलब बहुत दिनों से मांग चल रहा था तारनपुर में। अच्छा, आप लोग बहुत दिन से गुहार लगा रहे थे कि एक मंदिर चाहिए गांव में। अच्छा, क्या कहना है? तारनपुर के आदमी सब मरा हुआ है। अच्छा, कोई भी जिंदा नहीं है, अगर जिंदा रहता है तब हमें माता के मंदिर नहीं उठता। अभी तैयारी है उठाने के लिए तो कितना आदमी के जलन जलन से का होगा। अब माता उनका पर जो ख्याल करी है, हम लोग ख्याल करम तो कोई जो किस्मत कोई न छीने वाला है ना, किस्मत कोई न छीन कर। अब इनका भाग होते जितने का जितने का था, इतना तैयारी कर सगरों नामे हुई थी इनका।
है ना, पूरा पंचायत में ही काम करवाया है। हाँ सर, अपना परिचय पहले दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं पहले इससे पहले फौज में सर्विस करता था। हाँ। और वहाँ से रिटायर होने के बाद मैं समाज सेवा में जुड़ा हूँ। अच्छा। और अभी हमारा ग्राम पंचायत कंडाप तारनपुर के अंतर्गत ये मंदिर का निर्माण किया हूँ मैं। और अभी यहाँ पर ये पंचायत में जो भी काम ये मंदिर का हो रहा है और ही इसके पूरब साइड। आपके बारे में सुनने में आ रहा है कि आप करोड़ों रुपया खर्च कर दिए हैं, क्या चीज़ में खर्च किए हैं करोड़ों रुपया? सर ये पूरे हम जो कंडाप तारनपुर पंचायत है उसके समाज सेवा में गरीब आदमी के जो भी हमसे जितना बना है वो किए हैं। नली गली मंदिर का निर्माण हुआ है और कोरोना काल में राशन वितरण, शादी मरनी में भी जो श्राद्ध होता है उसमें भी हम हेल्प किए। हमारे पास जो भी आए हैं तो हम उनमें भेदभाव नहीं किए। अच्छा, क्या आपके बारे में हम जनता से पता कर सकते हैं? एकदम बिल्कुल सर, कहीं भी पता कर सकते हैं आप। कोई भी जो हमारे गांव पंचायत के अंदर जितने भी गांव आते हैं वहां पर आप किसी भी व्यक्ति से पता कर सकते हैं। जी ये थैंक यू, धन्यवाद। ये गली है, कौन बनाया है गली? मुखिया जी। मुखिया जी? हाँ ये क्या नाम है इनका? इनको एक ही मलेटी हम लोग कहते हैं। अच्छा, मलेटी साहब कैंडिडेट है ना मुखिया के? खैरब जो है। अच्छा हाँ हाँ, लेकर के वही इनको सब बनाया है। अच्छा, कैसा काम किए हैं? अच्छा काम किए हैं, सब दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया काम, सब सगड़ो पूरा के लेकर के सब सगर काम अच्छा किए हैं। पूरा है, धमोल है, ये धमोल है और ना हुआ सब है। अच्छा, कैसा काम किए हैं मुखिया जी? सब ठीक किए हैं, यहाँ करे के हैं बंधारनपुर यहाँ हमारे केवल कहे। अच्छा, मतलब सुनने में आ रहा है कि जब से ये रिटायर हो गया है, जब से कर रहा है, जब से समाज कल्याण में, जैसे मैं एक बताइए मोटा मोटी क्या क्या काम किए हैं? काम तो किए कि ढलैया सब कर दिए, नाले नहीं था होनू बन गया। हाँ, कहा हुआ जनता सब खुश है? खुश रहे तो क्या लगता है इस बार जीत पाएंगे? जीतेंगे तो हारेंगे। अच्छा,